दबा कम था, एरिया कम था, डिमांड कम था और सर्विस एरिया था वो भी बहुत कम था। लेकिन आज वाटर वॉल का रकबा बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, शहर फैलता गया, लेकिन काम करने वालों की तैदाद को असर है जायजा लेकर मौजूदा डिमांड के हिसाब से उसको तय नहीं किया गया, जिसके लिए हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि नई रियासत जैसी तेलंगाना बनी है तो स्थगित वाटर बोर्ड के जो अहदेदारों की जरूरत है, अमले की जरूरत है, उसको भी असर नौ जायजा लेकर तय किया गया है। और भी अभी आपके मेवा रोजगारों ने कहा कि अजला से लोगों को लाकर यहां भरना जा रहा है, सिर्फ अजला ही नहीं बल्कि खाली अरसे में, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर गलत हूं तो सही करिएगा, हाउसिंग डिपार्टमेंट से भी कई लोगों को लाकर जाना गया है जो काम से वाकिफ नहीं है, जानते नहीं है कि किस तरीके से किया जाए, टेक्निकली वो लोग साउंड नहीं है, टेक्निकली मालूमात नहीं है, सिर्फ लोगों को लाना है तो बस कहीं से भी ला रहे हैं और यहां पे काम ले रहे हैं, ना वो काम करना चाहते हैं, ना काम जानते हैं, ना काम कर सकते हैं। ये चीज भी हम जरूर अपने सतह पर एवान असेंबली में जरूर उठाएंगे और चीफ मिनिस्टर साहब से भी इस तालुक से नुमाइंदगी करेंगे। तो बहुत सारे मसाइल हैं, आपके ऑफिस का भी एक मसला है, बाल फिरका परस्त अनासर है जो हमारे ऑफिस के स्पेस के अलॉटमेंट में हायल हो रहे हैं, रोक रहे हैं। हम किसी से तसातुर नहीं चाहते, हम किसी की हम तलबी नहीं चाहते, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम कोई इंसाफ मिले, हमको हमारा हक मिले, बस यही हमारा काम और यही हम करें। और हम जरूर कोशिश करेंगे कि ऑफिस के स्पेस के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और जब प्रमोशन लाते वैकेंसी आते हैं तो उस वक्त भी कई माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारों को एक मंसूबा बदानदाज से उनके प्रमोशन को रोका जाता है या फिर दूसरों को प्रमोट कर उनको बाद में करेंगे कहकर उनको पेंडिंग में डाल दिया जाता है। ऐसे भी मसाइल हैं, हम जानते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नुमाइंदे की हैसियत से, जिम्मेदार की हैसियत से हम कोशिश करेंगे कैसी नाइंसाफियां ना हो और मेवा के जरिए हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करे काम जिसके जरिए न सिर्फ नाइंसाफी को खत्म करे। और ये भी हमारा एक प्रपोजल था, उस पर कार्रवाई हुई, किसी वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि मैं समझूंगा कि मेरी मसरूफियत और मेरी नासाजी सेहत की वजह से वो काम को नहीं कर सके। हमारी कोशिश है कि जरूर गवर्नमेंट से तो जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, सहूलतें मिलती हैं इम्प्लॉयज को, उससे हट कर भी जो भी हमारे मेवा में जो जिनको मेडिकल सहूलत नहीं मिलती है इलाज की उनके अफराद खानदान को, तो मैंने तय किया था कि मेवा से ताल्लुक रखने वाले जितने भी हमारे अराकीन होंगे जिनको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिलता है, वैसे उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को ओवेसी हॉस्पिटल वास्ता हॉस्पिटल में 40% डिस्काउंट पे हम उनको ट्रीटमेंट करेंगे। हमारी तरफ से एक पेशकश करेंगे, उसके ऊपर तफसीलात की हमने जमा की थी, मेवा के अराकीन ने लाकर मुझे तफसीलात भी दिए थे लेकिन किसी वजह से वो नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला ये काम को जितना भी जल्दी हो सकता है हम करवाने की हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काम तो हमारे ही हाथ में, किसी से रिमाइंडिंग करने की जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह उस काम को भी कराएंगे। और भी जो भी मसाइल हैं आप लोगों के जो अराकीन है मेवा के उनके जो इससे वाबस्ता है, जरूर हमसे रुजू करिए, शायद
دیر ہوگی مسائل کے حل کے لیے، لیکن مسائل کو حل ضرور ہم کریں گے۔ اور اگر میں مصروف ہوں تو بلاما صاحب ہے، وہ تو موجود رہتے ہیں اور برابر ہر وقت کام جو بھی آپ کا ہے، جس بھی جگہ پہ آپ کے کام کو لے کر جانا ہے، نمائندگی کرنا ہے، وہ ہر وقت بلا جھجک آپ لوگ رجوع ہو سکتے ہیں اور برابر نمائندگی کرتے آئے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آپ کی نمائندگی کریں گے، اور جہاں کہیں پر میری بھی ضرورت ہے میں بھی آپ کے لیے دستیاب ہوں، انشاءاللہ میری طرف سے بھی جو بھی تعاون جو بھی آپ لوگوں کے لیے کرنا ہے کریں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ میوا سے وابستہ ہو کر اس میوا کو مضبوط کریں گے، طاقتور بنائیں گے، اور ہمارے مسائل کا حل میوا کے ذریعے ہم کروائیں گے۔ میں آپ تمام کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ میری مصروفیات مجھے اجازت نہیں دیتی، لیکن آپ لوگوں کی کا اصرار تھا، عہدیداروں کا کہ نہیں اکبر صاحب آپ جتنا بھی وقت دے سکتے ہیں دیجیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی اس میوا کو ہٹ کریں۔ تو میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے وابستہ ہو کر آپ کے مسائل کو اٹھا سکوں، اور آپ نے قابل سمجھا کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی خدمت کر سکتی ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اور برادر صاحب کو آپ نے موقع دیا کہ آپ کے مسائل کے لیے، آپ کے حق کے لیے لڑنے کے لیے۔ تو میں اس کے لیے بھی تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اتنی شاندار اور اتنی اچھی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا، اور آپ اور ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، اس کے لیے بھی ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے ایک قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر اس تقریب کو کامیاب کیا۔ اور میں امید کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ کی ہماری وابستگی رہے گی، اور آپ ہم مل کر اپنے مسائل کو حل کریں گے اور اس میوا کو مضبوط کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔